छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मूड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर में 4 दिनों तक रहेंगे। यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष लगातार 4 दिन तक यहाँ रुके रहेंगे। रायपुर में बीजेपी के द्वारा एक बड़ा रोड शो निकाला जाएगा। इसमें बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटेगी। इस रोड शो को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। इससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 का आगाज करेगी। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने के बाद पहली बार जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसलिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। नड्डा प्रदेश स्तर के नेताओं से तो मिलेंगे ही, साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब होंगे। हालांकि नड्डा का यह दौरा एक दिन ही राजनीतिक होगा। 9 सितंबर को नड्डा रायपुर में रोड शो करेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को रिचार्ज करेंगे। 10 सितंबर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय समिति की बैठक है। नड्डा 10 से 12 सितंबर तक इस बैठक में रहेंगे और स्वयंसेवक की भूमिका निभाएंगे। इन 3 दिनों में वह किसी राजनीतिक आयोजन में हिस्सा नहीं लेंगे। संघ की इस बैठक में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया है। नड्डा लंबे समय तक छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे हैं। वे यहां के नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में उनके इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव के समय जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। उनके निर्देशन में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद नड्डा केंद्रीय मंत्री की भूमिका में आ गए। प्रदेश प्रभारी रहने के दौरान उनको प्रदेश के हर भारतीय जनता पार्टी नेता की ताकत और कमजोरी का अंदाजा है। ऐसे में उनके प्रवास के दौरान वह सभी वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 संवाद करेंगे। जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। भारतीय जनता पार्टी भी छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के मूड में नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। अगस्त में बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके बाद अब रायपुर में एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। राजधानी में रोड शो करके नड्डा 4 विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो राजधानी के रोड शो का संदेश प्रदेश की हर विधानसभा सीट तक जाएगा। यही कारण है कि हर विधानसभा के रोड शो में 20,000 से ज्यादा लोगों को सड़क पर लाने की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।